नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी वाह वुमन से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में महारत हासिल की हुई है। जी हाँ, मैथमेटिक्स, और वो अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं और इंस्टीट्यूट भी घर से चलाती हैं पिछले 20 साल से। तो आइए मिलते हैं मिसेस सरबजीत कौर से। वेलकम सरबजीत जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो सरबजीत जी, आपके इंस्टीट्यूट का नाम है करियर प्लस एकेडमी। जी। ये इंस्टीट्यूट कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, दिमाग में कैसे आया, लाइक शुरुआत कैसे हुई, कितने साल पहले हुई? जी, जब मैंने अपना कॉलेज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो एक पैशन तो था ही शुरू से पढ़ाने का। तो स्कूल से कॉल आता है, जस्ट हम जैसे उस टाइम तो बचपना था कि गए, इंटरव्यू दिया, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन कॉल आता है कि आप आ जाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तब कुछ यकीन सा नहीं हुआ कि ये क्या, हम तो ऐसे ही गए थे और देकर आए कि देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बहुत खुशी महसूस हुई। तो उस दिन हम आर्मी पब्लिक स्कूल में फिर ज्वाइनिंग थी दिल्ली कैंट में। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर सेंट्रल स्कूल में अप्लाई किया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आफ्टर मैरिज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी एडमिशन के लिए उन्होंने बोल रहे थे, तो हम वहाँ पे भी ऐसा फैकल्टी हमने किया। तो जैसे फैमिली ग्रो कर रही थी तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप रेस्ट मोड पे आ जाइए। तो हम जैसे ही रेस्ट मोड पे आए तो ऑल ऑफ अ सडन बच्चों के कॉल्स आने शुरू हो गए कि मैम आप वापस आइए। तो हमने उनको बोला कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। तो देखा तो संडे का दिन था, वो बच्चे सारे घर आ गए। ओके। तो मतलब बिलीव नहीं हुआ कि इतना बच्चा घर आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। तो बच्चों ने कहा कि हम मैम आपसे घर पे ही पढ़ लेते हैं, आप नहीं आ सकते, हम घर पे ही पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब आपका शुरू से मैथमेटिक्स के अंदर एक रुझान था? रुझान था, पैशन था कि जब मैं खुद स्कूल में पढ़ रही थी, कई बार हमारे सर लेट हो जाते थे तो बच्चे अपने डाउट्स लेकर आते थे। ओके। तो मैं उनको क्वेश्चन नहीं कराती थी, मैं उनको सिर्फ ये बोलती थी कि इसका लॉजिक ये है कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दें। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस का देखिए कोई अंत नहीं होता है, बुक्स का कोई अंत नहीं है, आप कोई भी बुक उठा के ले सकते हैं कभी भी। किसी भी चीज के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके बेस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ओके। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपके बेस क्लियर हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। राइट। तो वो बच्चों ने घर आना शुरू किया तो मैंने वहां पे अपना एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया। तो ये कहाँ पे था इंस्टीट्यूट आपका? ये मेरा था जनकपुरी में, दिल्ली में। दिल्ली में। ओके। तो वेस्ट दिल्ली में थी मैं, तो वहाँ पे बच्चे आने शुरू हुए। तो फिर जैसे मेरा बेटा हुआ तो मेरे हस्बैंड वो बेटे को संभालते थे, बेटे को संभालने से पहले वो उस कमरे का सेटअप बनाते थे। तो ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं, आज तक करते हैं, और वो करते हैं। मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा है कि जनरली नहीं तो होता है कि एक सपोर्टिव है तो कैसे चलेगा। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल ये था, होने ही वाला था कि फैमिली सपोर्ट आपका कैसे रहा? बहुत बहुत बहुत। मैं ये मानती हूँ कि मतलब बहुत आई फील लकी कि एक हस्बैंड तो करते ही हैं, मदर इन लॉ ने इतना सपोर्ट किया है, वो मुझे खाना बना के दे रहे हैं, वो बेटे को संभाल रहे हैं। क्या बात है। वो एट टाइम्स कई बार होता था कि हेडेक हो रहा है, वो कहते थे बैठो तुम, खाना खाओ, चाय पियो और सो जाओ। मतलब इतना सपोर्ट मेरे को मिला है, ये एक किस्मत कह लो या एक अच्छी बॉन्डिंग कह लो कि मेरी मदर इन लॉ कम और कंपेनियन ज्यादा रही थी तो उनका सपोर्ट था। तो बच्चे जब घर आए तो मैंने वहां पे कमरे से स्टार्ट किया। ओके। तो वो लेकिन एक कमरा कितना समेट सकता है, यू नो। तो फिर आइडिया आया कि हम ग्राउंड फ्लोर पे अपना पूरा इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं। ओके। तो वो जब आइडिया आया तो मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया। ओके। उन्होंने ये कहा कि जब आप जॉब कर रहे हैं और वो बच्चे और वो जो आपकी मैनेजमेंट है आपको इतना प्रेज कर रही है, तो क्यों ना आप उसको खुद से ही स्टार्ट करिए, इनिशिएटिव लीजिए, आप वो बच्चों को पढ़ाइए।
आपका अगर पैशन है तो आप उसको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन भी बनाइए। तो ये जो आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया था, ये विद योर जॉब किया था या जॉब के अलावा किया था? जॉब के अलावा किया था, मतलब जॉब के साथ साथ कर रही थी। ओके, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो मतलब मजा आ रहा था पढ़ाने में, बच्चों को सिखाने में। बेसिकली मैं बच्चों को ट्रेन कर रही थी फॉर देयर फ्यूचर। ओके। मैं उनको ये नहीं कह रही थी बेटा ये क्वेश्चन कर लो ये आएगा, वो क्वेश्चन कर लो वो आएगा, नहीं। मैं उनको कहती थी बेटा ये कंसेप्ट पकड़ लो, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कुछ भी आ जाए। ओके। आप कर सकते हैं। सो मैथमेटिक्स में आर यू फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर क्लासेस या कुछ एज कैटेगरी है या क्लासेस कैटेगरी है या सब, मतलब कैसे आप डिफाइन करती है, टीचिंग कैसे करती है? जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो तो बच्चों को तो सिखाया जाता है, पहले काउंटिंग सिखाई जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, तो छोटे बच्चों को तो इजीली हो जाता है। होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो बच्चा उस मैथ से फोबिया हो जाता है। फोबिया हो जाता है, मेरे को भी था जी। तो मुझे ये लगता है कि मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, हालांकि हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, प्यारा होता है बिल्कुल, तो लेकिन मैथ्स में बच्चे अक्सर एक चैलेंज फेस करते हैं, वो कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं होते। तो मैं उनको ये समझाती हूँ क्वेश्चन छोड़ दो, मत करो। मैं तो यहाँ तक भी बोलती हूँ कि बेटा आप आओ, गलत भी करोगे चलेगा, क्योंकि जब आप गलत करोगे तो आपको सही सीखने का मौका मिलेगा। करेक्ट। तो आप अगर गलत कर ही नहीं रहे, आप गिरना ही नहीं चाहते, आप उठेंगे कैसे? बिल्कुल। तो एक बच्चों के साथ कंफर्ट जोन में रहना, बच्चों के साथ बच्चा बनना ताकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम समझाए। अगर आप उनको टीचर की तरह मानेंगे वो आपके पास कभी भी प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों के साथ एट टाइम्स टीचर बनना भी चाहिए, उनको कुछ सिखाने के लिए, एट टाइम्स उनका फ्रेंड बनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझने के प्रॉब्लम समझनी चाहिए। तो जब बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे मेरे पास जेई के बाद चलते हैं मेंस और एडवांस के जी, और मैं उनको बच्चों को एट ऑनवर्ड्स ट्रेन करती हूँ मैथ्स के लिए। ओके। कि बच्चों को यूजुअली फोबिया आता है जब वो 6th, 7th, 8th ग्रेड में होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बहुत कम होना शुरू हो जाता है कि मैथ्स तो हो ही नहीं। जो मैं समझ पा रहा हूँ, यू स्टार्ट फ्रॉम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड जेई ऑनवर्ड, राइट? माय गॉड। तो मैथ्स तो देखिए मैथ्स है बिल्कुल, आप चाहे फॉर्मूला 6th, 7th में कर लीजिए, चाहे आप जेई मेंस आ जाइए, तो फॉर्मूला तो एप्लीकेशन वहीं पे ही है ना, फॉर्मूला तो सेम ही रहेंगे। करेक्ट। आपका बेस अगर स्ट्रांग है, आज मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, मतलब कहते हैं कि ऊपर वाले ने मेरे को शायद चुना है इस चीज के लिए कि मैं बच्चों के अंदर से फोबिया निकाल सकूं, और पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, वो कहते हैं मैम ये बच्चा हमारा पहले तो मैथ्स को लाइक ही नहीं करता था, आज वो पीसीएम में जाना चाहता है, आज वो कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहता है, आज वो बच्चा फाइट कर रहा है कि ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स चाहिए। फैंटास्टिक। तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, वो चीज को रट नहीं रहे हैं, वो क्वेश्चन को, और आप रट भी नहीं सकते, आपकी फिगर्स चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन पेपर में, आपका अगर लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी चीज आ जाए। ये चीज तो हर सब्जेक्ट के लिए है कि आपका बेसिक या आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, आंसर सबके सेम रहेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। सो देन आपका स्टोरी हमारी आपके बीच में ये रह गई, हम थोड़ा सा डाइवर्स हो गए थे जी, कि आपने इंस्टीट्यूट जब घर से ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया, उसके बाद वहीं कंटिन्यू किया या फिर आगे और? जी, मैंने वहीं पे कंटिन्यू किया। तो 12 साल के लिए तो मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो हमने बनाया था वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया, पढ़ाया, उनके डाउट्स लिए। इनफैक्ट मैं वहाँ पे रात दिन एक कर दिया कि मेरे बच्चे सफ़र ना करें, अगर कोई वीक है तो मैं उनको एक्स्ट्रा बिठा कर भी अलग से पढ़ाया है। okay. कि मेरे बच्चे, क्योंकि एक बैच में आप देखिए कि हर टाइप का बच्चा है, तो मुझे हर बच्चे को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना है कि मेरा वीक बच्चा भी ऊपर आए, एक कॉन्फिडेंस के साथ आए, उसको ये ना लगे कि बाकी बच्चों को आता है मुझे नहीं आता है। तो जब बच्चे को नहीं आ रहा है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बेटा गलत करो, करिए, आप पीछे नहीं रहेंगे, आप रेस में आगे भागना चाहते हैं, आप भागना शुरू करिए, भागना शुरू करो। तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसको करिए। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जब वहां पे 12 साल मैंने बच्चों को ट्रेन किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो पेरेंट्स का जो यकीन होता है, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस मिलता है, जो उससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है। एग्जैक्टली। हमें ऐसे लगता है कि हम उनके काम आ रहे हैं, हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बच्चों को लेके आ रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। करेक्ट।
तो मुझे ये लगता है वो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैम कौन सी बुक लें, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आप CBSE में हैं, IC बोर्ड कोई भी हो सकता है, आपके पास एक प्रिस्क्राइब बुक दी गई है, आप उस बुक के अंदर से कंसेप्ट को उठाइए, क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं, NCERT की भी है, NCERT एग्जाम्पलर भी एक अच्छी बुक है, प्लस मेरे अपने असाइनमेंट जाते हैं, तो मुझे यह लगता है कि एट दी एंड अगर आपको घर पे कुछ प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक ले लीजिए, बुक सारी अच्छी है। तो ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास एक बैच में? मेरे पास एक बैच में मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 रखती हूँ, और मेरा फोकस ये रहता है कि 10 से 12 में बच्चे सारे हैं, मेरा फोकस ये रहता है कि मैं सबको 1 घंटा भरपूर सिखाऊं, उनके डाउट्स लूं, जब मैं उनके एग्जाम कंडक्ट करती हूँ, एग्जाम कंडक्ट करने से पहले भी एक स्पेशल डाउट क्लास होती है, हालांकि हर क्लास में मैं उनके पहले डाउट्स लेती हूँ, बाद में, क्योंकि मैं सेशन तब स्टार्ट करती हूँ जब बच्चे मेरे डाउट्स के साथ नहीं बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनके डाउट्स क्लियर हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो वो मजा आता है एक पढ़ाने में। और जब बच्चा मुझे सामने से बोल दे ना कि मैम आप हमें क्वेश्चन दे दीजिए, आप हमें नहीं कराएंगे, तो एक मजा, एक पढ़ाने का और एंथू बढ़ता है, एंथू बढ़ जाता है बच्चे का, जब आप देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगता है। और जब पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम बच्चा तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है कि हम ह्यूमैनिटीज ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, लेकिन मैथ्स आपसे लेना चाहते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो पेरेंट्स का होता है वो और जब मजबूत होता है तो हम टीचर्स की पावर भी बढ़ती है। Exactly. हर एक को देखिए मोटिवेशन चाहिए, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, तो हर एक को एक काम करने की मोटिवेशन चाहिए। True. तो हम वो मोटिवेशन लेते हैं, एंड पेरेंट्स हमारे कस्टमर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ये सारी टीचर से गुजारिश करूंगी कि आप अपने प्रोफेशन को पैशन जरूर मान के करते हैं, लेकिन उसको बिजनेस थोड़ा कम बिजनेस होता है, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि जब आप बच्चों को एक टच देते हैं, एक फील देते हैं, बच्चा अपने आप ग्रो करता है, आपका रिजल्ट आता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सरबजीत जी, क्योंकि मुझे याद है जब हम उस लेवल पे थे, जब हम पढ़ाई करा करते थे जी, तो तब एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होता था वो बिजनेस से ज्यादा होता था जी। आज सिनेरियोस बढ़ गए हैं जी, बट क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है, मैं देखता हूँ जो बॉन्डिंग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड रादर देन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट जी। सो यू राइटली सेड इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और आपने बहुत अच्छा बताया बाकी टीचर्स के लिए भी कि इसको प्रोफेशन और पैशन तो लीजिए, लेकिन इसको बिजनेस की तरह मत देखिए, रिलेशनशिप बढ़ाइए, दैट्स वेरी गुड जी। सो सरबजीत जी, अब आ गए, आपने 12 साल वहां काम किया जी दिल्ली में, उसके बाद आप शिफ्ट हुए नोएडा जी, राइट? तो नोएडा में आप 2017 में आए जी, सो कहीं ना कहीं आपका जो ये प्रोफेशन था, स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वहाँ के जो कुछ छूट गए होंगे जी, तो वो कहाँ तक इम्पैक्ट आपको करा जी? जब हमने नोएडा शिफ्ट हुए तो एक थोड़ा सा हेजिटेशन था कि कैसे होगा, वहाँ पे मेरे बच्चे थे, मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया, क्योंकि एक आपको मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। True. एक कॉन्फिडेंस, एक ईश्वर की कृपा तो है ही कि हमारा जो हुनर है वो हमसे कोई नहीं ले सकता, तो हम कहीं पे भी चले जाएं, हमारा जो हुनर है हम वो स्प्रेड करते ही करते हैं। Very good. तो उन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट दिया कि आप इतना सोच लीजिए कि अगर एक भी बच्चा आ रहा है, आप उस बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो बच्चा अपने आप आगे सबको बताता है। तो मैंने जब यहाँ शिफ्ट किया तो एक स्टूडेंट था मेरे पास, और मैं तब उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा कर पढ़ा रही थी, क्योंकि यस जनकपुरी में पूरा मेरा इंस्टीट्यूट था, सेटअप था, वो वाइंड अप करके हम यहाँ आए, तो उसको पढ़ाना शुरू किया, और वो बच्चा आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पेरेंट्स आए थे वो लिटरली मतलब रोए नहीं, बट यस उन्होंने बता दिया था कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, इमोशनल भी हो गए, इमोशनल हो गए थे। तो मैंने उनको यही बोला कि अभी हम रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। मैं हर पेरेंट को ये बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज ये मत समझिए कि आपने बच्चा एक टीचर को सौंप दिया तो आपकी ड्यूटी खत्म। ये एक टीम है, टीम में मैं हूँ, आप है, आपका बच्चा है, आपकी तरफ से उसको पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, राइटली सेड, आपकी तरफ से उसको एक इमोशनल सपोर्ट, एक गाइडेंस चाहिए, जो आप मॉनिटर कर सके अपने बच्चे को घर पे, एक शेड्यूल बना सके कि बेटा खेलने का ये शेड्यूल है, आराम करने का ये शेड्यूल है, तो पढ़ाई का भी ये शेड्यूल है। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ से गाइड करती हूँ, मैं यहाँ से ट्रेन करती हूँ बच्चों को, तो बच्चों को एक टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब तक बच्चा हार्डवर्क नहीं करेगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया कि मैं सीख कर आया हूँ, लेकिन जब तक बच्चा खुद से नहीं कर रहा है तो वो मेहनत वो थोड़ी सी कम
लेवल पे हो जाती है. वेरी ट्रू. तो पेरेंट्स को भी प्रॉपर इंटरेक्ट करना चाहिए टीचर से और बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए डेली. जी डेली सपोर्ट करना चाहिए कि बेटा, उनको ये नहीं कहना कि बेटा आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 सही क्यों नहीं है. आप सपोर्ट करिए कि बेटा आपने आज 3 क्वेश्चन अच्छे किए, बहुत अच्छा काम किया है, आप कल को देखना 5 क्वेश्चन करेंगे. सो रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, स्टे और फोकस ऑन द पॉजिटिव कि आपने जो किया है वो अच्छा किया. हम हमेशा ये देखते हैं कि ग्लास आधा खाली है. हम वहां देखते ही नहीं कि हमारा ग्लास आधा भरा भी था. वेरी गुड. तो मुझे ये लगता है कि बच्चे के अंदर भरपूर भंडार है, दिमाग की कमी नहीं है, बस उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप कर सकते हो. बिल्कुल. मेरे पास बच्चे आते हैं जो एक बार नहीं करते, दो बार नहीं करते, लेकिन मैं उनको गुस्सा नहीं करती हूँ. मैं उनको बोलती हूँ बेटा आपने कोशिश की है, कोशिश करिए, थोड़ा और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे. तो वो बच्चा जब ये फील करता है कि मैम ट्रस्ट कर रही है, तो मेरा एक ट्रस्ट करना ही बच्चे को बूस्ट कर देता है. बिल्कुल फैंटास्टिक. तो आपकी थॉट प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस मुझे बहुत क्लियरली समझ आया कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हो. थैंक यू सर. सो गाइस, आपको जस्ट इस इंटरव्यू के बीच में एक बात और आपको बताना चाहूँगा. आपको एक क्लिप दिखाई होगी मैंने इस इंटरव्यू से पहले, प्रॉब्ली 5-10 सेकंड की. वो है इनका सेटअप आज का, जहाँ से ये स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं. ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेटअप कैसा लगा. एनीवे, सो गोइंग फॉरवर्ड सरबजीत जी, अब क्योंकि आप नोएडा में हैं जी, और मैंने सुना आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी लेती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी जी, लेती हैं. जी 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 जी, ये भी, ये कैसे शुरू हुआ? जी ये भी थोड़ा सा ऐसा था कि कोविड के टाइम पे मेरा, इनफैक्ट चलो ये कोरिलेशन ही हो गया दोनों क्वेश्चंस का, कि आप दोनों इस मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप इस आंसर में दे सकते हैं. दो क्वेश्चंस हैं मेरे कि एक तो कोविड में आपने कैसे कोप अप किया, एंड अब मुझे कुछ समझ आ रहा है कि आपके इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स तो नहीं स्टूडेंट्स होंगे जी, वो आपके कोविड में ही बने होंगे जी. सो कोविड इम्पैक्ट आपको कितना करा और आपने कैसे हैंडल किया उसको? जी अब कोविड में भी मैं ये कहूँगी कि अगेन ईश्वर की देन, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है कि बच्चों ने एक हौसला नहीं छोड़ा सबसे पहले, क्योंकि मैं डे बाय डे रेगुलर उनके सेशन काउंसलिंग भी करती हूँ. तो एक तो उन्होंने कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं छोड़ा, एक अपनी मेहनत पे नहीं छोड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस उन्होंने टीचर पे भी बना के रखा. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाए. अरे वाह. तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डालती थी अपने पूरे सेशंस, तो वो पेरेंट्स ने देखे, वो जब लिंक शेयर होने लगे तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास दुबई से कॉल आया कि मैम हमारा बच्चा है, हमने आपसे ही पढ़ाना है, और हम काफ़ी देख रहे हैं टीचर्स, हमने उनसे ट्रायल सेशन भी लिए, तो आप हमारे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए. तो मैंने कहा मैम मैं आपके लिए ट्रायल सेशन रखती हूँ, तो आप 1 घंटे का ट्रायल ले लीजिए, समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है. तो उन्होंने कहा ट्रायल लेना ही नहीं है हमने. हमने आपकी YouTube वीडियोस देखी हैं, एंड वी आर रियली सेटिस्फाइड कि अगर आप वहाँ पे इतना अच्छा दे रही हैं, तो आप हमारे बच्चे को 1-on-1 पे या ग्रुप में कितना अच्छा देंगे. बिल्कुल. तो कोविड सेशन में मेरा एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था. कोविड सेशन में मेरे पास जितने बच्चे आए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या बात है, कि वो चाहते थे कि हम ऑनलाइन में ही अगर आपको टेस्ट देंगे, लेकिन देंगे जरूर, देंगे जरूर. और पेरेंट्स उनको मॉनिटर करते थे और रिजल्ट्स भी फिर अच्छे ही आए. रिजल्ट मेरे टॉपर गए, मेरे बच्चों की इतनी मेहनत थी, वो मेहनत मेरे बच्चों की थी. फैंटास्टिक. हम यहाँ पर सिर्फ उनको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन मेहनत मेरे बच्चों की थी. बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जी. सो सरबजीत जी, आपका करियर प्लस एकेडमी, आज आप अच्छा काम कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं, ऑफलाइन भी हो रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड वेयर डू यू सी योरसेल्फ? अभी आप इंस्टीट्यूट को अभी जैसे आपका सेटअप जैसे घर के अंदर है, तो अभी इसको कुछ प्लान्स हैं आपके बाहर निकालने के लिए एक बार, या अभी यही कंटिन्यू करेंगी जी, या आपका आज से 3-4 साल 5 साल बाद आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ? जी ईश्वर की कृपा रही, पेरेंट्स का प्यार मिलता रहा. आई एम श्योर जरूर मिलेगा जी जी. तो अभी ये कमरे से ही है, एक छोटा सा सेटअप है जिसमें मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशन ले रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी क्लासेस जा रही हैं. oh, wow. तो ईश्वर की कृपा रही तो काफी रहा, तो हम एक इंस्टीट्यूट भी ओपन करेंगे नियर फ्यूचर में. बेहतरीन. और टीचर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो टीचर्स जुड़े जो बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं. yes, yes. जो बच्चों को ट्रेनिंग दे, कंसेप्ट क्लियर करे, रादर देन कि क्वेश्चन कराने के. क्वेश्चन का अंत नहीं है, मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी, आप बच्चों को ट्रेनिंग दे दीजिए कि बच्चों को उस सब्जेक्ट से प्यार होना शुरू हो जाए. बिल्कुल, आज की डेट में बच्चे डरते हैं
आज की डेट में बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बैठे नहीं, हम सिर्फ पास हो जाएं। पास तो बच्चे हो ही जाएंगे। अगेन मैंने आपको जैसे कहा कि बच्चों में दिमाग भरपूर है, उसको सही दिशा में दिखाना वो एक मेंटर का ही काम होता है। बिल्कुल। जो हम कहते हैं कि ईश्वर ने अगर हमें चुना है तो हमें वो जस्टिफाई करना चाहिए कि हमारे बच्चे ट्रेन हो जाए। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक। सो सरबजीत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जैसी महिलाएं जो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप जैसी वुमेन, इनफैक्ट आप जैसी टीचर्स जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो आज की डेट में करना चाहती हैं कुछ, ट्यूशंस करना चाहती हैं, करती भी हैं, लेकिन अपने आप को वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखती कि मैं आज एक इंस्टीट्यूट भी शुरू कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ट्यूशंस पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती होगी। तो उनके लिए क्या मैसेज है, या जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं कुछ शुरू करने के लिए, वो चाहती हैं कि हम शुरू करें जी, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज रहेगा? मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगी कि टीचर्स मेरे साथ काफ़ी गुड़गांव से, बैंगलोर से, नोएडा, दिल्ली से जुड़ रही हैं। मैं बस यही उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप चाहे एक बच्चा पढ़ा लीजिए, चाहे दो बच्चे पढ़ाइए, आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको 10 बच्चे चाहिए। आप एक बच्चे को पढ़ाइए, उस पर फोकस कीजिए। अगर वो बच्चा रिजल्ट देता है तो वो अपने आप आपके अंदर एक पॉजिटिव आएंगी वाइब्स, एक आपको और इनकरेजमेंट मिलेगी, और बच्चा ही सामने बच्चों को पेरेंट्स भी बताएंगे, क्योंकि एक माउथ पब्लिसिटी तो होती ही है, आपका हार्डवर्क तो है ही, नो डाउट टीचर हार्डवर्क करती है, लेकिन आप प्लीज बच्चे के फोकस करिए उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग पावर, राइट? क्योंकि अगर बच्चा कंसेप्ट में स्ट्रांग है, आगे देखिए बच्चे ने यूपीएससी देना है, जेईई देना है, कोई भी फील्ड में जाता है, अगर बच्चे के कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको वो एक मोटिवेशन दे रहा है, आपके खुद माउथ पब्लिसिटी भी होती बिल्कुल, है। तो मैं ये चाहूंगी कि जितनी टीचर्स हैं प्लीज हार मत मानिए, बच्चों को सपोर्ट जरूर करिए, उनको डराना नहीं है, उनको प्यार से ही आगे लेके जाना है। बिल्कुल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर टीचर्स। इनफैक्ट मेरे तो समझ में बहुत कुछ आया है जी। सो सरबजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू हमारे साथ इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपके अंदर जो कला है, I'm sure आपका अकेडमी बहुत बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। और आपके साथ गुफ्तगू करके आज बहुत अच्छा लगा जी, हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, मैं सरबजीत जी का यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू हर वीडियोस, एंड आप फॉलो करिए इनको यूट्यूब पर भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वा वुमन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वा वुमन। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और महिला से, एक और वा वुमन से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग वा वुमन। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।